नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ डिफेंस एंड हेल्थ में। दोस्तों, दोबारा से आपकी डिमांड पे हमने एक और वीडियो बनाया है जो कि महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है। और वो समस्या क्या है? आर्म्स फैट। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लेडीज के और जेंट्स के भी ये फैट बहुत बढ़ जाता है, आर्म्स फैट। इस आर्म्स फैट को आप कैसे कम करें और आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये रुचि जौहरी जी आपको बताएंगी। प्लीज इनकी बताई गई एक्सरसाइज फॉलो करें और अगर आप आर्म्स फैट से परेशान हैं तो इस आर्म्स फैट को कम करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हम फिर आए हैं अपने चैनल सेल्फ डिफेंस एंड हेल्थ पे एक नया वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आर्म फैट को कैसे कम किया जाए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता लग चुका होगा कि मैं आपको क्या क्या बता चुकी हूँ। मैंने आपको बताया है होल बॉडी वर्कआउट के बारे में, थाई फैट कैसे कम किया जाए, टमी फैट कैसे कम किया जाए, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आर्म फैट कैसे कम किया जाए। मेरी सभी वीडियोस में मैं हमेशा ये बताती हूँ कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से हमारे किसी भी बॉडी पार्ट का फैट जो है कम नहीं किया जा सकता। और मैं इस चीज को फॉलो करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी फॉलो करें कि 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज मैटर करती है। यहाँ डाइट से कभी भी मेरा मतलब ये नहीं होता है कि आप डाइटिंग करिए, बैलेंस डाइट के बारे में मैं बात करती हूँ। बैलेंस डाइट का ये मतलब है कि आप तला भुना खाना कम खाएं, शक्कर कम खाएं और फाइबर्स यानी सब्जियां और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज्यादा खाएं, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं और कार्ब्स को कम करें। यदि आप अपनी डाइट को सुबह से शाम तक बहुत अच्छा रखते हैं और अपनी डाइट में फाइबर्स और को शामिल करते हैं, प्रोटीन को शामिल करते हैं और कार्ब्स को कम करते हैं, तो आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं और आपका वजन जरूर कम होगा। और साथ में आप जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स थाई फैट की, टमी फैट की, आर्म फैट की, ये बहुत जरूर कम हो जाएगी। आर्म फैट के लिए मैं आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगी जिसमें हमें 20 रिपीटेशन करने हैं और 3 सेट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को उठा के इस तरह से सीजर में 20 टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आर्म फैट की सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, 20 रिपीटेशन 3 सेट स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. एक्सरसाइज में अपने हैंड्स को हमें मूव करना है 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये क्लॉकवाइज हो गया। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आर्म फैट को कम करने की फोर्थ एक्सरसाइज के लिए हम अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से उठाएंगे और 20 टाइम्स हमें ये करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आर्म फैट की फिफ्थ एक्सरसाइज में हमें अपने हैंड्स को पीछे की तरफ पुश करना है 20 टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो फ्रेंड्स, यदि आप अपना आर्म फैट कम करना चाहते हैं तो मेरी बताई हुई ये 5 एक्सरसाइज आप फॉलो करें।
इन एक्सरसाइज के 20 रिपीटेशंस करेंगे, 3 सेट बनाएंगे, और यदि आप ये एक्सरसाइज फॉलो करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि थोड़े दिन में आपका आर्म फैट जो है वो कम होता जा रहा है। धन्यवाद।